आपदा प्रभावित परिवारों को पहुंचाई राहत सामग्री। जिला चमोली के विकासखंड नारायणबगड़ में विगत माह हुई अतिवृष्टि से बेघर हुए बेड़ गांव के 10 अनुसूचित जाति के परिवारों की सुध लेने पहुंचे भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष भूपाल राम टमटा ने इन परिवारों को राशन आदि की राहत सामग्री बांटी। बेड़ गांव के सामाजिक कार्यकर्ता और मशहूरी विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र कनेरी ने कहा कि उनके आग्रह पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष भूपाल राम टमटा ने बेड़गांव पहुंचकर गरीब आपदा प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री बांटी और शासन स्तर पर उन लोगों की हर संभव मदद करने की बात कही, जिससे प्रभावित परिवारों में उम्मीद की रोशनी जगी है। और लगा भी लियो, लगा भी लो साथ के साथ में, लगा लो सब एक फोटो, सब ग्रुप कर दो, सब ग्रुप में सब एक साथ खड़े हो, एक एक लगा के रख। ये यहाँ पर जो है हम जिस आते भी आपदा से हम इतने परिवार जो है कि यहाँ पर हम पीड़ित हुए हैं, इन परिवारों से हम पंचायती घर में जो है कि पाँच एक हफ्ते करीब से हम पंचायती घर में अपना शरण ले चुके हैं। और यहाँ पर जो है शासन प्रधान जो पटवारी जी हमारे कुंवर जी हैं, वो वहाँ पर मौके पे आए और अगले दिन विधायक जी आए और उन्होंने भी यही कहा कि हम विस्थापन के लिए जो है कि आगे के लिए आपकी कार्रवाई करेंगे और सरकार से हमारी और शासन प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि हम गरीब आदमी अनुसूचित जाति लोग वहाँ पर रहते हैं और हमारे लिए ज़मीन भी वहाँ पर उपलब्ध है, हमारे पास इतनी जो हमारी खेती बाड़ी के लिए लायक ज़मीन थी वो भी नष्ट हो चुकी है, वहाँ पर कोई साधन नहीं है, पीने का पानी था, नल है पूरा पूरी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आप विस्थापन की मांग कर रहे हैं, तो विस्थापन की मांग हम कि हमारे आजीवन के लिए हम वहाँ पर रहेंगे तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए खतरा हो सकता है और हमारे जो दो मकान के आगे पीछे स्लाइड है और पूरा खाई बन चुकी है वहाँ पर। गांव में बारिश के कारण जो प्राकृतिक आपदा आई उसके कारण बेड़गांव की अस्थी बस्ती पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो ये लोग मेरे साथ खड़े हैं इन सब के घर बार बह चुके हैं, खेती बह चुकी है, पशुओं का गौशाला टूट चुका है और ये लोग पंचायती घर पर रहने को मजबूर हैं। शासन प्रशासन इनका संज्ञान लेने जरूर आया, तसल्ली दी गई, अब देखते हैं कि इन लोगों के लिए आगे क्या कार्रवाई होती है और आन माननीय श्री भूपाल राम टमटा जी मौके पे इन लोगों की शुद्ध खबर लेने पहुंचे और इनको राहत सामग्री राशन के रूप में कुछ प्रदान किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहूँगा टमटा जी का कि आप ऐसे पीड़ा में इन लोगों के साथ खड़े हैं
और मैं भविष्य में भी उम्मीद करता हूँ कि आप इन लोगों का साथ बने रहिए और इनकी शासन प्रशासन ज़रूर सुने और इनको विस्थापन के लिए जो भी स्थान मुहैया कराएगा ये विस्थापन के लिए तैयार हैं। तो मेरी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं सरकार और शासन प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि ज़रूर इन बेड़गांव एससी बस्ती वालों को कहीं विस्थापन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा पीड़ित इन 10 परिवारों के दुख को देखते हुए मेरी शासन प्रशासन से मांग है कि इन लोगों को कहीं अन्यत्र जगह पर विस्थापित किया जाए, इनको आवास की व्यवस्था अतिशीघ्र किया जाए, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा भूस्खलन क्षेत्र बन चुका है और यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। और हम लोग भी कहीं ना कहीं सामाजिक संगठनों के माध्यम से इन लोगों की मदद के लिए प्रयासरत है, जैसे कि मेरे विशेष प्रयास पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान गोपालम टमटा जी खुद इस मौके पर जाकर इस क्षेत्र में गए और उन्होंने अपनी तरफ से आपदा प्रभावित इन परिवारों को राहत सामग्री के पैकेट वितरित किए। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और साथ ही साथ उन्होंने आश्वासन दिया कि जहाँ तक भी हो शासन प्रशासन से हम इनकी मांगों को, इनकी आवाज़ को पहुँचाने में मदद करेंगे। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि आने वाले समय में सभी लोग इस लड़ाई को मिलजुल कर लड़ेंगे। धन्यवाद।